वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है एक समवन स्पेशल का बर्थडे, तो हम जा रहे हैं उसके लिए लेने गिफ्ट। और आज हमने ब्लॉग स्टार्ट किया है अपना सरायकाले खां जी से। तो आप सोच रहे हो मैंने जी क्यों लगाया, तो जी लगाने का मकसद ये है क्योंकि मेरे दोस्त के पापा का नाम है, तो इसलिए थोड़ा इज्जत से लेना पड़ता है। तो देखते हैं आज उसके लिए हम क्या प्रेजेंट ले सकते हैं बढ़िया से बढ़िया। और वो समर स्पेशल हम वीडियो के एंड में दिखाएंगे आपको। तो चलते हैं कुछ बढ़िया सा लेने उनके लिए। जिंदा है वो, लगा लूँ वो अपना कवच। अब पुलिस वालों को भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पुलिस वालों को भी ताड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा बर्थडे ही सेलिब्रेट हो जाएगा। भाई यार पुराने दिल्ली में बहुत ही जाम लगता है यार, परेशान हो गया। एक तो 3 बार गाड़ी का रेडिएटर फैन चल चुका है, उससे और गर्मी लग रही है। क्या यार इतना ट्रैफिक। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मार्केट में। अब शॉप देखनी है कौन सी बेस्ट रहेगी जिससे हम परचेजिंग करें। चलिए यहाँ से देखते हैं। फाइनली हमने शॉपिंग कर ली है अपने समवन स्पेशल के लिए, गिफ्ट भी ले लिया है। तो अब चलते हैं घर की तरफ और कुछ सिनेमैटिक्स भी हैं, उसको भी इंजॉय करिएगा। और फिर हम आपको दिखाएंगे हमारा समवन स्पेशल कौन है। तो चलिए चलते हैं। कुछ भी लोगों को शॉपिंग करना आसान बात नहीं है। हम लड़के तो सीधा जाते हैं, हाँ भाई इतने का है ठीक है पैसे देकर आ जाते हैं। भाई साहब बार्गेनिंग बहुत मुश्किल है, अपने बस की नहीं है बार्गेनिंग। आइंदा से मैं शॉपिंग करने कभी नहीं आऊँगा, चाहे वो गिफ्ट हो कुछ भी हो। भाई बहुत मुश्किल है, ये लड़कियों पे सूट करता, लड़कियाँ ही करें वही बेहतर है। कहते हैं ना जिसका काम उसी को साजे, वो वाली मिसाल बिल्कुल परफेक्ट है भाई हमारे ऊपर। हमें छोटी सी चीज़ परचेस करनी थी, लेकिन भाई उस छोटी सी चीज़ के चक्कर में अपनी कितनी दुकानें छान मारी। भाई ये गिफ्ट बड़ा भारी पड़ रहा है मेरे को, मेरी कमर में दर्द कर दिया इसने, इतना चुभ रहा है कमर में। पर देख हमारे अहमद भाई पत्नी के अनुसार ढंग से पकड़ना नहीं आता कुछ, इन्हें पकड़ना तो कुछ भी नहीं आता, ढंग की बात तो बहुत दूर की है। ओ मेरा भाई क्या हमारे अबैद कहाँ अबैद। अरे यार ये बस वाले भी ना चवन्नी कम है भाई, देरी लग रहा पूरी पूरी। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बता दूं, तो हम बर्थडे सेलिब्रेट तो नहीं करते हैं, बट छोटी बच्ची है तो दिल रखने के लिए उसका हम बाकी और कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए गिफ्ट ज़रूर लेकर आए हैं। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं घर, पहुंचने वाले हैं, तो फिर उसका गिफ्ट उसको हैंड ओवर करके देन अपना ब्लॉग कंप्लीट करते हैं। गाइस फाइनली पहुंच गए हम घर, अब चलते हैं जरा
मैंने अभी भाभी से बात करी है तो भाभी बता रही हैं कि हमारी भतीजी अभी सो रही है, तो सोते से उसके सरप्राइज का मजा कुछ और अलग होता है। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा नींद खराब करते हैं बच्चों की। नूर, ए नूर, उठ जा बेटा। अच्छा हाथ दो, हाथ दो, हाथ दे, चीज दिखाऊंगा जल्दी से दो। ये देखो, अभी सो के उठी है, अभी समझ नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे। तो ये हमारी है मल्हा, ये घर की सबसे बड़ी, तो पसंद नहीं आया लेके जा रहे हैं। ठीक है भाई, चलो वापसी कर देंगे, पैसे बचेंगे हमारे, पैसे आ जाएंगे वापसी। चलो एक काम करो, इसे दूसरे रूम में रख देते हैं। ओ दूसरे रूम में कह रहा हूँ, नीचे लेके चलो, बाइक पे लेके वापस आएंगे। मारो दे तू। अच्छा हाँ, इसको तो पसंद आया नहीं, मारो को दे देता हूँ। ठीक है मना, क्या हुआ? मूड खराब हो रहा है भाई, मूड हो गया। मैं सो रही थी, हमने इनके प्रेजेंट लेकर आए तो ये हमको रिएक्शन नहीं दे रही, हमने मायरा को दे दिया। मायरा खुश है, मूड की नींद खराब। क्या हुआ भाई? अरे आपका प्रेजेंट है बेटे, मजाक कर रहे हैं। तो गाइस प्रेजेंट हमने उनके हैंडओवर कर दिया है, सोते से उठाया था तो मूड ज़रा ठीक नहीं था उनका, तो अभी खुशी नहीं जाहिर कर रही हैं वो अपनी। तो देखते हैं भाभी जल्दी अपडेट कर देंगी कि वो खुश हुई है या नहीं, जो भी है वैसा खुश तो होगी, क्योंकि उसके क्योंकि वो कह रही थी कि मेरे को पिंक कलर की ही साइकिल चाहिए, तो हमने पिंक कलर की ही ढूंढ कर लेकर आए हैं। तो फिर चलते हैं अपने घर, करते हैं इस व्लॉग को यहीं कम्प्लीट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और करें आप थोड़े से सिनेमैटिक्स एंजॉय। तो बाय, टेक केयर।